हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन। पार्लियामेंट पास्ड द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 इन मार्च 2020 विच विल ट्रांसफॉर्म द माइनिंग सेक्टर इन द कंट्री, बूस्टिंग कोल प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। विच एक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग अमेंडेड थ्रू दिस बिल। सो दिस अमेंडमेंट बिल, द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2020 इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इट अमेंड्स माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 एंड द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 2015। नाउ गाइस, दिस एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, इट रेगुलेट्स द ओवरऑल माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पूरा का पूरा माइनिंग सेक्टर है उसका रेगुलेशन इस एक्ट के थ्रू होता है। एंड द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 2015, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑक्शन एंड एलोकेशन ऑफ कोल माइंस हुज एलोकेशन वॉज कैंसल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2014। ऐसे कोल माइंस जिनका एलोकेशन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कैंसिल कर दिया था, उनके ऑक्शन और उनके एलोकेशन के लिए ये एक्ट लाया गया था, द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 2015। नाउ दिस बिल रिप्लेसेस द ऑर्डिनेंस फॉर अमेंडमेंट ऑफ द एमएमडीआर एक्ट 1957 एंड सीएमएसपी एक्ट व्हिच वाज प्रोमल्गेटेड ऑन 10th जनवरी 2020 एंड दिस अमेंडमेंट बिल एम्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बूस्टिंग कोल प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। इससे हमारा जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। Now, as per the new provisions of this bill, SE companies which do not possess any prior coal mining experience in India and or have mining experience in other minerals or in other countries can participate in auction of coal lignite blocks. मतलब कि ऐसी companies जिनके पास coal mining experience का कोई भी prior coal mining experience नहीं है, या फिर experience है किसी और minerals का, या फिर experience है किसी और country में mining का, तो वो अब कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स के ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन कोल और लिग्नाइट ब्लॉक ऑप्शंस बट आल्सो फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी इन द कोल सेक्टर। इससे कोल सेक्टर में जो एफडीआई पॉलिसी है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो पार्टिसिपेशन है ऑफ द वेरियस कंपनीज वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ करंटली कंपनीज अक्वायरिंग शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 कोल माइंस थ्रू ऑप्शंस कैन यूज द कोल प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड एंड यूजेस। कुछ स्पेसिफाइड एंड यूजेस के लिए ही कोल का इस्तेमाल किया जा सकता था बाय शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 कोल माइंस। ये स्पेसिफाइड एंड यूजेस का मतलब है लाइक फॉर पावर जनरेशन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए। तो स्पेसिफाइड एंड यूज का मतलब हो गया कि लाइक फॉर एग्जाम्पल पावर जनरेशन एंड स्टील प्रोडक्शन। एंड वॉट अबाउट शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 कोल माइंस? सो गाइज, शेड्यूल 2 कोल माइंस आर दोज where production had already started before the Supreme Court's order in the year 2014. Schedule 2 coal mines, वो mines हैं जहाँ पे production start हो चुकी थी even before the Supreme Court's order in 2014. And जो Schedule 3 mines हैं वो कौन सी हैं? ये वो हैं जिनको earmark किया गया था for specified end uses. Alright, मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ। Schedule 2 coal mines वो हैं जहाँ पे production start हो गई थी before the Supreme Court's order in 2014. वाइल जो शेड्यूल 3 माइंस हैं ये वो माइंस हैं जिनको ईयर मार्क किया गया था फॉर स्पेसिफाइड एंड यूजेस। नाउ आफ्टर दिस बिल ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रिमूव हो जाएगी। दिस बिल रिमूव दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ कोल माइंड बाय सच कंपनीज। मतलब अब स्पेसिफाइड एंड यूजेस के लिए ही यूज नहीं किया जा सकेगा, और भी चीजों के लिए यूज किया जा सकेगा। राइट, एंड दिस बिल प्रोवाइड्स फॉर कंपोजिट लाइसेंस फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग। नाउ प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि लाइक एक्सप्लोरिंग द मिनरल, एक्सप्लोरिंग द मिनरल, लोकेटिंग द मिनरल। ओके, जो हमारा मिनरल है उसको एक्सप्लोर करना या फिर उसको लोकेट करना, तो ये मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग का। तो इस बिल में अब एक कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग। एंड इससे पहले जो ये लाइसेंस था ये सेपरेटली दिया जाता था प्रोस्पेक्टिंग के लिए और माइनिंग के लिए। सो द बिल अलाउज प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज पीएल कम एमएल फॉर कोल और लिग्नाइट विच इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स एंड कोल ब्लॉक्स ऑफ वेरिंग ग्रेड्स इन अ वाइड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अवेलेबल फॉर एलोकेशन। एंड अभी जो थे वो सेपरेट लाइसेंस दिए जाते थे इन दोनों के लिए,
ओके सो गाइज आई होप आपको इस अमेंडमेंट बिल के सारे प्रोविजन जो है वो क्लियर है. नाउ वॉट वॉज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वॉज विच एक्ट ऑफ द फॉलोइंग आर बींग अमेंडेड थ्रू दिस बिल. सो माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 MMDR एक्ट एंड CMSP एक्ट, दोनों के दोनों अमेंड किए गए हैं. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर टू. सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग द स्टेप्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR रिजीम इन इंडिया. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट वन? So let us first discuss about the initiative that has been taken by the government of India during the last 5 years. So there is a reduction in examination period, and the period of examination of new trademark applications has been reduced from 13 months to less than 30 days. Trademark is registered in less than 7 months if there are no objections or opposition filed, as compared to 3 to 5 years required earlier. And time required for patent examination reduced from average 72 months in 2014-15 to average around 36 months in 2019. So these are some initiatives that have been taken by the Government of India, the Ministry of Commerce and Industry, to strengthen the intellectual property rights. Now, what was the question? We have to find the correct statement. Reduction in new trademark applications examination period from 13 months to less than 30 days. This is correct. Trademark registration period reduced from 3 to 5 years to less than 7 months. This is also correct. Now, time required for patent examination reduced from average 72 months in 2014-15 to average around 36 months in 2019. This is also correct. So, therefore, guys, the correct answer to this question will be E, all are true. Now, जो सबसे पहले world में intellectual property right की बात करी गई थी, वो करी गई थी in the Paris Convention. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Alright? Paris Convention for the Protection of Industrial Property, ये convention हुआ था जिसमें सबसे पहले intellectual property rights की बात की गई थी. ये हुआ था in the year 1883. Now there is an organization which is known as World Intellectual Property Organization, which is headquartered in Geneva. And in India, the law of patents is administered by Office of the Controller General of Patents, Design and Trademarks. Okay? And Trademarks. Alright, so in India, the law of patents is administered by the Office of the Controller General of Patents, Design and Trademarks. And सबसे पहले IPR की बात करी गई थी in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in the year 1883. And the Ministry of Commerce and Industry in India is headed by Piyush Goyal, who is Rajya Sabha MP from Maharashtra. Okay, and in the previous question, I forgot to tell you that the Ministry of Coals and Mines in India is headed by Prahlad Joshi, his Lok Sabha constituency is Dharwad. Okay guys, his Lok Sabha constituency is Dharwad, which is in Karnataka. And he is also the Minister of Parliamentary Affairs. Alright, so therefore guys, the correct answer is all are true. Now let's move on to question number 3. Ministry of Ayush has developed National Ayurveda Morbidity Codes for the classification of diseases. It is a comprehensive classification of diseases described in Ayurveda as well as standardized Ayurveda terminologies. The codes are available on which of the portal developed by Ministry of Ayush? So in Ayush, A stands for Ayurveda, Y stands for Yoga, U stands for Yunani, S stands for Siddha and X stands for Homeopathy. And Ministry of Ayush is headed by Shripad Yesso Nayak, whose Lok Sabha constituency is North Goa. Alright, and this ministry has developed National Ayurveda Morbidity Codes, or in short we can say NAMC, for the classification of diseases, and it is aimed at standardization of Ayurvedic diagnostic and treatment protocol. जो Ayurvedic diagnostic है और जो treatment protocol है उसको standardize करने के लिए ये National Ayurveda Morbidity Codes launch किया गया था. And this code are available on National Ayush Morbidity and Standardized Terminologies Electronic Portal, which in short is Namaste Portal.
लेट मी रिपीट दिस, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, नमस्ते पोर्टल, एंड दिस पोर्टल हैज ऑल्सो बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. नाउ इन द फर्स्ट फेज द डिजीज कंडीशंस विच हैव बीन आइडेंटिफाइड आर कुष्ठ विच इज अ स्किन डिजीज, कासा, श्वासा एंड ज्वरा. सो ये कुछ डिजीजेस हैं जिसको फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई किया गया है इन द नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स विच आर अवेलेबल ऑन द नमस्ते पोर्टल. एंड फुल फॉर्म नमस्ते की आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल. गाइस इन द एग्जाम अब क्या होता है कि पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता. आपसे पूछ लिया गया कि भाई नमस्ते में टी का मतलब क्या है, राइट. सो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. सो अगर ऐसा भी पूछेंगे तो आपको पूरा का पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राइट. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, नमस्ते पोर्टल, राइट, बी नमस्ते पोर्टल. क्वेश्चन नंबर 4 इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज डेवलप्ड लाइफ स्किल्स जीवन कौशल करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, विच स्टूडेंट्स आर बींग कवर्ड अंडर द करिकुलम. सो गाइज यूजीसी चेयरपर्सन इज मिस्टर डीपी सिंह एंड रिसेंटली यूजीसी हैज ऑल्सो लॉन्च सक्षम पोर्टल. अभी यूजीसी ने कुछ समय पहले सक्षम पोर्टल भी लॉन्च किया था. दिस पोर्टल वॉज एम्ड टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन कैंपसेज, ओके, कैंपसेज में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थ्रू क्रिएटिंग अवेयरनेस. सो सक्षम पोर्टल वॉज लॉन्च बाय यूजीसी which is aimed at empowerment of women in campuses through creating awareness, all right. And chairperson of UGC is DP Singh. Now UGC has developed life skills or in Hindi we can say Jeevan Kaushal curriculum for undergraduate students at universities and college, and it covers the courses on communication skills, professional skills, leadership and management skills and universal human values. ये जो courses हैं इसमें क्या क्या चीजें cover की जाएंगी, इसमें कम्युनिकेशन स्किल कवर किए जाएंगे, प्रोफेशनल स्किल्स कवर किए जाएंगे, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल और साथ ही साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज. और ये जो हमारा ये जो कोर्स यूजीसी ने लॉन्च किया है ये प्योरली सजेस्टिव इन नेचर है. कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को ये फॉलो करना ही है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस करिकुलम, सो एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएशन ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, development of interpersonal skills, time and stress management and achievement of excellence with ethics. So these are some objectives of the life skills or Jeevan Kaushal curriculum that has been developed by University Grants Commission headed by DP Singh. So therefore guys the correct answer is which students are being covered? The undergraduate students of universities and colleges are being covered under life skills curriculum or Jeevan Kaushal curriculum. Now, last question for today, guys, is the Union Cabinet has approved the mega consolidation of some public sector banks, which is not correct about the amalgamation among the following bank. So, आपने सुना होगा that कुछ banks जो है वो merge हुए हैं, like Oriental Bank of Commerce and United Bank of India. ये दोनों के दोनों merge हो गए थे in the Punjab National Bank. इसके अलावा Syndicate Bank was merged in Canara Bank. And other than this, Allahabad Bank was merged in Indian Bank. And there was one more merger of Andhra Bank plus Corporation Bank. Andhra और Corporation Bank दोनों के दोनों merge हो गए थे in the Union Bank of India. So I hope आपको ये mergers जो हैं वो याद हैं. And let me tell you कि ये mergers जो हैं वो last year announce किए गए थे. But this merger would be effective from 1st of April 2020. That's why आज हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, because ये recently news में था. So we have to find the incorrect statement about the amalgamation among the following. So 10 PSBs are merged into 4 PSBs. Yes, this is absolutely correct. After the merger, there will be 14 public sector banks. No, this is incorrect. The amalgamation would be effective from 1st April 2020. This is correct. State Bank of India is at the first rank. This is again correct. And the merger is being done so that people have more funds available for credit. Yes, this is also correct. We have to find the incorrect statement, which means option number B, which is the incorrect statement, is our answer. Okay.
Okay guys, so that's it for today's session. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, God bless, and keep watching PIB 24/7.